हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में इलिप्स बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या रहेगा, उसके लिए क्वेश्चन रहेगा, ड्रॉ एन इलिप्स ऑफ मेजर एक्सिस 120 mm एंड माइनर एक्सिस 60 mm बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड, ऑल्सो ड्रॉ द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, इसका सॉल्यूशन हमें ड्रॉ करना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो इलिप्स ड्रॉ करना है उसका मेजर एक्सिस यहां दिया है 120 mm और माइनर एक्सिस यहां दिया है 60 mm, और इलिप्स ड्रॉ करने के लिए कहा है बाय यूजिंग कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड। और फिर पूरा इलिप्स ड्रॉ होने के बाद क्वेश्चन में यह भी लिखा है कि ऑल्सो ड्रॉ द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एनी पॉइंट, हमें कहीं पर भी टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो ये हम सोल्यूशन ड्रॉ करेंगे, लेकिन जो आज हम मेथड बताएंगे वो आज हम आपको सेकंड मेथड बताएंगे। इसके पहले के वीडियो में जो हमने कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड से इलिप्स बनाए थे वो फर्स्ट मेथड था। देखो इसके पहले का वीडियो ये था, ये हमने इलिप्स बनाए थे इसके पहले बाय यूजिंग कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड, ये फर्स्ट मेथड था। लेकिन आज के वीडियो में हम आपको सेकंड मेथड से इलिप्स ड्रॉ करना बताएंगे बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड। हम आपको दो मेथड इसलिए बता रहे क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट दिया है, तो आपको दोनों मेथड पता होना चाहिए। ठीक है, वैसे आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको जो मेथड बता रहे आपको वो मेथड फॉलो करना चाहिए। तो यहां पे हम इलिप्स ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस ड्रॉ करेंगे। तो मेजर एक्सिस 120 mm का, तो ये हमने पहले मेजर एक्सिस ड्रॉ कर लिया है 120 mm का। मेजर एक्सिस को हम यहां नेमिंग दे देंगे, दैट इज मेजर एक्सिस AB। और अब हमें माइनर एक्सिस ड्रॉ करना है, तो माइनर एक्सिस के लिए हम सबसे पहले ये जो मेजर एक्सिस है इसका मिड पॉइंट हम ले लेंगे, दैट इज मेजर एक्सिस 120 mm का है, तो ये हम 60 mm पे इसका मिड पॉइंट ले लिए हैं। और अब क्या करेंगे, ये मिड पॉइंट पे हम प्रोटेक्टर पुट करेंगे और यहां 90 डिग्री का एंगल लेंगे। देखो हमने प्रोटेक्टर यहां ले लिया है, हम यहां रखेंगे और ये हमने 90 डिग्री का एंगल ले लिया है। और अब ये 90 डिग्री के एंगल पे हम क्या करेंगे, यहां माइनर एक्सिस ड्रॉ करेंगे। माइनर एक्सिस दिया है 60 mm, तो 60 में से 30 mm ऊपर ड्रॉ करना है, 30 mm नीचे ड्रॉ करना है, टोटल हो जाएगा 60 mm। तो ये देखिए हमने माइनर एक्सिस ड्रॉ कर लिया है, माइनर एक्सिस को हम यहां नेमिंग दे देंगे, दैट इज माइनर एक्सिस CD। ठीक है, और अब यहां पे और ये जो सेंटर है ये सेंटर को हम कहेंगे दैट इज O। और अब यहां पे हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड का यूज करने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड में हमें सर्कल ड्रॉ करना जरूरी होता है। तो चलो अब हम यहां कंपास ले लेंगे और कंपास का यूज करके सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने कंपास ले लिया है, कंपास में आपको डिस्टेंस कितना लेना है जरा ध्यान से देखिए, काफी सिंपल है, ये मेजर एक्सिस का हाफ लेंथ। ठीक है, इसका मतलब ये A से लेके O तक का लेंथ जो कि 60 mm है वो हम यहां कंपास में ले लेंगे और यहां मेजर एक्सिस का सर्कल ड्रॉ करेंगे। देखो ये हमने 60 mm का लेंथ कंपास में ले लिया है और अब कंपास का सेंटर आपको O पे यहां पे रखना है, O पे, और यहां पे हम क्या करेंगे मेजर एक्सिस का एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखिए हमने मेजर एक्सिस का यहां सर्कल ड्रॉ कर लिया है और अब बिल्कुल इसी तरह से हमें माइनर एक्सिस का भी सर्कल ड्रॉ करना है। तो उसके लिए माइनर एक्सिस का हाफ लेंथ आप कंपास में ले लेंगे। देखो माइनर एक्सिस है CD, तो उसका हाफ लेंथ इट मीन CO जो कि होगा 30 mm, ये कंपास में ले लेंगे। तो ये देखिए ये 30 mm का लेंथ जो है ये हमने कंपास में यहां ले लिए और अब फिर से कंपास का सेंटर जो है वो हम O पॉइंट पे रखेंगे और यहां पे माइनर एक्सिस का सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखिए हमने माइनर एक्सिस का सर्कल भी यहां पे ड्रॉ कर लिया है और अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद हम दोनों सर्कल को 12-12 पार्ट में डिवाइड करेंगे। लेकिन उसके पहले एक काम करते हैं, ये जो माइनर एक्सिस है इसको नीचे तक एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि वो बड़े सर्कल तक ऊपर जो है वो टच हो जाए। ठीक है, ताकि बड़ा सर्कल जो है वो भी डिवाइड हो जाए। तो ये देखिए हमने माइनर एक्सिस को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिए और अब हमने जैसा कहा कि दोनों सर्कल को अब हमें 12-12 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 12 पार्ट में डिवाइड करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, आप चाहे तो कंपास का यूज करो या आप चाहे तो प्रोटेक्टर का यूज करो। अगर आप प्रोटेक्टर का यूज करना चाहते हैं तो प्रोटेक्टर से आप क्या करेंगे, यहां पे आप ऐसे सेंटर पे पुट कर लेंगे और 30-30 डिग्री के एंगल लेंगे, 30, 60, 90, 120, 150, 180, इस तरह से आप यहां पे एंगल्स ले लेके 30-30 डिग्री के एंगल लेके दोनों सर्कल को 12-12 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो आप कंपास का भी यहां पे यूज कर सकते हैं। चलो हम यहां पे कंपास का यूज कैसे करना वो बता रहे, तो कंपास का यूज करना काफी सिंपल है। तो कंपास में आपको सर्कल का रेडियस ले लेना है जो सर्कल को आपको डिवाइड करना है। तो बड़े सर्कल को अगर हमें डिवाइड करना है तो बड़े सर्कल का जो रेडियस है AO, ये लेंथ हम कंपास में ले लेंगे। देखो ये हमने AO दैट इज जो 60 mm का लेंथ है ये हमने कंपास में ले लिए। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, कंपास का सेंटर यहां A पॉइंट पे रखना है और कंपास का सेंटर A पॉइंट पे रख के ऊपर सर्कल पे इधर कट करना है और बिल्कुल उसी तरह से नीचे भी कट करना है, ये देखिए इस तरह से। फिर आपको कंपास का सेंटर आपको यहां नीचे रखना है और आपको इधर राइट साइड में और लेफ्ट साइड में इस तरह से आपको कट करना है। इस तरह से जो है सर्कल 12 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। फिर आपको कंपास का सेंटर यहां B पॉइंट पे रखना है और B पॉइंट पे रख के इस तरह से ऊपर कट करना है और फिर से कंपास का सेंटर
पर बी पॉइंट पर रख के आपको नीचे भी कट करना है। तो कंपास में आपको रेडियस का लेंथ लेके ये सब करना होता है। देन आपको कंपास का सेंटर यहां ऊपर रखना है और कंपास का सेंटर ऊपर रख के ये देखिए ये हम यहां पे यहां राइट साइड में और ये लेफ्ट साइड में सर्कल में बड़े सर्कल में कट कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से फाइनली जो बड़ा सर्कल है वो 12 पार्ट में डिवाइड हो चुका है और अब छोटे सर्कल की बारी है। बिल्कुल इसी तरह से हम छोटे सर्कल को भी डिवाइड कर लेंगे। तो छोटे सर्कल का जो रेडियस है वो हम कंपास में ले लेंगे। छोटे सर्कल का रेडियस कितना रहेगा, 30 mm है, तो ये हमने कंपास में ले लिए। कंपास का सेंटर जो है वो सर्कल के चारों जो पॉइंट्स है वहां पे हम रख लेंगे और ये देखिए सर्कल को, छोटे सर्कल को भी हम डिवाइड कर रहे हैं। अब इसके बाद का स्टेप जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्या करना है, जो बड़े सर्कल के जो पार्ट्स है उनको वर्टिकली ज्वाइन करना है और जो छोटे सर्कल के पार्ट्स है उनको हॉरिजॉन्टली ज्वाइन करना है। ठीक है, देखो ये इंपॉर्टेंट स्टेज है, ये है आज के मेथड की स्पेशलिटी। आपको क्या करना है, बड़े सर्कल के पार्ट्स वर्टिकली ज्वाइन करना है। इसका मतलब ये है कि ये देखो ये जो बड़ा सर्कल है इसमें ये जो ऊपर का पार्ट और यहां पे नीचे का पार्ट है इसको आपको जस्ट ऐसे वर्टिकली आपको ज्वाइन करना है। तो ये देखिए हम इसको ऐसे वर्टिकली ज्वाइन कर लेते हैं, ये देखिए हमने इसको वर्टिकली ज्वाइन किए और ये आपको फेंट पेंसिल का यूज करके करना है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से ये भी पार्ट्स देखो यहां पे हम बड़े सर्कल के पार्ट जो है वो सीधा सीधा वर्टिकली ज्वाइन कर लेंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ये देखिए बड़े सर्कल के पार्ट्स वर्टिकली ज्वाइन करना है, उसी तरह से ये पार्ट आपको इससे ज्वाइन करना है और ये पार्ट आपको इससे ज्वाइन करना है। तो चलो ये हम पहले ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये देखिए जैसा हमने कहा था बड़े सर्कल के पार्ट्स को हमने यहां वर्टिकली ज्वाइन कर लिया है और अब हमें क्या करना है, छोटे सर्कल के पार्ट्स को हॉरिजॉन्टली ज्वाइन करना है। इसका मतलब ये जो पार्ट है वो आप इससे ज्वाइन कर लेंगे, ये पार्ट इससे ज्वाइन कर लेंगे, ये पार्ट इससे ज्वाइन कर लेंगे और ये इससे। लेकिन ये जो आप छोटे सर्कल के पार्ट जो आप हॉरिजॉन्टली ज्वाइन करेंगे तो हॉरिजॉन्टली ज्वाइन करते समय इसको आपको आगे और पीछे ऐसा एक्सटेंड करना है। ठीक है, देखो आपको यहां एक दो ड्रॉ करके बताते हैं, काफी सिंपल है। ठीक है, तो ये देखिए हम क्या करेंगे, ये देखिए हम यहां पे पार्ट्स को आपको ज्वाइन करके बता रहे हैं और ये आपको आगे और पीछे एक्सटेंड करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखो ये हमने इसको ज्वाइन तो कर लिए, देखो हमने यहां पे छोटे सर्कल के पार्ट को हॉरिजॉन्टली ज्वाइन कर लिए लेकिन उसको आगे एक्सटेंड करना है। ये देखिए हम इसको आगे यहां पर एक्सटेंड कर लेंगे और इधर पीछे भी एक्सटेंड कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से ये हमने एक्सटेंड कर लिए। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इसी तरह से अब हम नेक्स्ट, ये देखिए ये जो पार्ट है ये पार्ट हम इससे ज्वाइन करेंगे और इसको आगे और पीछे एक्सटेंड करेंगे और बिल्कुल इसी तरह से सभी पार्ट्स को भी हमें करना है। तो ये देखिए जैसा हमने कहा था छोटे सर्कल के पार्ट्स को हमने यहां हॉरिजॉन्टली ज्वाइन कर लिया है और उसको आगे और पीछे एक्सटेंड कर लिया है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और अब इसके बाद हमें यहां क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स मिल जाएंगे। देखो यहां पे छोटे सर्कल की ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन और बड़े सर्कल की ये फर्स्ट वर्टिकल लाइन दोनों यहां पर क्रॉस हो रही है। देखो ये फर्स्ट यहां पे क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिल चुका है। उसी तरह से छोटे सर्कल में ये सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन और बड़े सर्कल में ये सेकंड वर्टिकल लाइन ये दोनों यहां पे क्रॉस कर रही है, एक यहां पे क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिल गया, इसको हमने मार्क किए। ठीक है, उसके बाद यहां पे देखिए यहां पे भी हमें क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिल जाएगा, इधर भी हमें क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। देन उसी तरह से यहां पे नीचे भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन जहां पे क्रॉस कर रही है वहां पे हमें क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स यहां पे मिल जाएंगे। देखो काफी सिंपल है। ठीक है, छोटे सर्कल की हॉरिजॉन्टल लाइन और बड़े सर्कल की वर्टिकल लाइन जहां जहां पे क्रॉस करती है वहां वहां पे हमें क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो ये देखिए सभी क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स को हमने यहां पे मार्क कर लिया है और अब बस ये सभी क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के बाद जो हमें कर्व मिलेगा वो रहेगा एलिप्स। तो ये जो है एलिप्स एबीसीडी से पास होगा। ठीक है, यहां पे ए से स्टार्ट होगा, ए से ये सभी पॉइंट से होते हुए यहां सी से जाएगा, देन ये बी से जाएगा, डी से जाएगा और ये ए की तरफ आएगा। इस तरह से ये हमें ड्रॉ करना है और ये ड्रॉ करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे। पहला, या तो आप फ्रेंच कर्व का यूज करो, दूसरा या तो आप इसको फ्री हैंड ज्वाइन करो। वैसे हमारा सजेशन ये रहेगा कि आप फ्रेंच कर्व का यूज करो क्योंकि फ्रेंच कर्व से बहुत अच्छा बनता है, काफी स्मूथ कर्व बनता है। अभी इतने बड़े बोर्ड के लिए हमारे पास फ्रेंच कर्व तो नहीं है तो हम फिलहाल इसको फ्री हैंड ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने एलिप्स ड्रॉ कर लिया है लेकिन ये काफी अच्छा नहीं बना है, वो इसीलिए क्योंकि हमने ये फ्री हैंड बनाए हैं। लेकिन जब आप इसको ड्राइंग बुक में ड्रॉ करोगे तो फ्रेंच कर्व का यूज करके ड्रॉ करना, काफी अच्छा और स्मूथ कर्व बनेगा। ठीक है, तो एलिप्स तो हमने ड्रॉ कर लिया है लेकिन सोल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि अब ये एलिप्स के ऊपर हमें टेंजेंट और नॉर्मल भी ड्रॉ करना है। क्वेश्चन में लिखा था ऑल्सो ड्रॉ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, तो वो भी हम यहां ड्रॉ करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले आपको इसके पहले के वीडियो में जो हमने आपको मेथड बताए थे उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है वो एक बार आपको बता देते हैं। देखो इसके पहले के वीडियो का प्रॉब्लम और आज के वीडियो का प्रॉब्लम आपके सामने है। इसके पहले के वीडियो में आपको हर एक क्रॉस सेक्शन पॉइंट के लिए अलग अलग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना पड़ता था लेकिन यहां पे आज के वीडियो में हमने
क्या किए, इस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन एक साथ हमने ड्रॉ कर लिए तो हमें क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिल चुका है। आज के मेथड से अगर आप एग्जाम में ड्रॉ करोगे तो जल्दी बनेगा, इसके पहले के वीडियो में जो मेथड बताए थे उससे बनाओगे तो थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा। तो दोनों मेथड आपके सामने है, दोनों में से कोई भी एक मेथड आप एग्जाम में फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे। वैसे आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको जो मेथड फॉलो करने के लिए कह रहे हैं आपको वो मेथड फॉलो करना चाहिए। हमने आपको दोनों मेथड बता दिए क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग दिया है इसीलिए, ठीक है। तो चलो अब हम यहां पे टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो टेंजेंट और नॉर्मल कहां पे ड्रॉ करना है, तो कहीं पे भी एक पॉइंट हम ले लेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए यहां पे कहीं ना कहीं एक पॉइंट लिए थे। आज हम एक काम करेंगे, आज हम यहां पे नहीं, आज हम इधर एक जो है पॉइंट ले लेंगे। तो चलो एक काम करते हैं, हम ये पॉइंट पे यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट पी, ठीक है। हमने इसको कहा पॉइंट पी, हम ये पॉइंट पे यहां पे टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए यहां पे सबसे पहले आपको फोकस शो करना होता है। तो चलो फोकस यहां पे शो करेंगे, फोकस तो यहां हमारे पास नहीं है। तो फोकस कैसे शो करेंगे, उसके लिए आपको सबसे पहले कॉम्पास ले लेना है। देखो कॉम्पास में आपको मेजर एक्सिस का हाफ लेंथ यहां पे ले लेना है, ठीक है। तो यहां पे AO का लेंथ हमने कॉम्पास में ले लिए जो कि 60 mm है, ठीक है। तो ये हमने यहां AO का लेंथ 60 mm कॉम्पास में ले लिए। और अब क्या करो, कॉम्पास का सेंटर ऊपर C पे पुट करो, C पे रखो और B के तरफ और A के तरफ आर्क बनाओ, ठीक है। तो ये देखिए कॉम्पास का सेंटर हमने C पे रखे और B के तरफ ये हमने यहां कट किए और A के तरफ भी हम यहां पे आर्क बनाएंगे। देखो इस तरह से, ये देखिए हमने इधर B के तरफ और A के तरफ यहां पे कट किए, उससे क्या होगा, उससे हमें यहां पे फोकस मिल जाएगा। तो ये देखो हमें ये फोकस का पॉइंट मिल चुका है। तो ये है फोकस, हम इसको कहेंगे F1, और ये है दूसरा फोकस, हम इसको कहेंगे फोकस F2, ठीक है। ये फोकस आपको हमेशा पहले फाइंड आउट करना होता है, बिना फोकस के टेंजेंट और नॉर्मल आप नहीं बना सकते। तो हमने फोकस तो यहां मार्क कर लिया है, और अब क्या करना है, जो पॉइंट पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है वो पॉइंट आपको ये फोकस से ज्वाइन करना होता है। तो देखो हमने पॉइंट पी पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो पॉइंट पी से हमने ये फोकस F2 ज्वाइन कर लिए, उसी तरह से पॉइंट पी से हम ये फोकस F1 भी ज्वाइन कर लेंगे। तो ये देखिए हमने पॉइंट पी से फोकस F1 और F2 यहां ज्वाइन कर लिए हैं। और अब ये जो आपको दिखाई दे रही है दो लाइन, इनके बीच में आपको एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ये एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना ही सबसे इंपॉर्टेंट है, और यहां पे गलती नहीं करना है, क्योंकि जो एंगल बाइसेक्टर रहेगा उसी को हम कहते हैं नॉर्मल। तो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए आपको कॉम्पास का यूज करना है। तो कॉम्पास में कुछ भी लेंथ यहां पे ले लो, जो आपका मन करे। तो ये हमने कॉम्पास में कुछ भी यहां पे लेंथ ले लिए। कॉम्पास का सेंटर आपको पॉइंट पी पे पुट करना है, ठीक है। और ये जो F1 वाली लाइन है उसके ऊपर कट करना है, और F2 वाली लाइन पे भी आपको कट करना है। तो ये हमने कॉम्पास में यहां पे कुछ भी यहां पे लेंथ ले लिए। कॉम्पास का सेंटर हम पॉइंट पी पे यहां पे रख लेंगे और F2 वाली लाइन पे ये हम कट करेंगे। देखो हमने यहां पे कट किए, और अब ये F1 वाली लाइन पे भी हम कट करेंगे। कॉम्पास का सेंटर पी पे है, तो ये देखिए यहां पे कट गया और यहां पे कट गया। तो जहां पे कटा है वहां पे हम नेमिंग दे देंगे, तो हम इसको कहेंगे पॉइंट M, और ये जो पॉइंट मिला है हम इसको कहेंगे पॉइंट N, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमने यहां पे दोनों जगह पे कट किए। लेकिन अब हमें फिर से कॉम्पास का यूज करना है, और फिर से कॉम्पास में कुछ भी आप लेंथ ले लो जो आपका मन करे, और या आप इसके पहले जो लेंथ लिए थे वही लेंथ आप कंटिन्यू यहां पे रख सकते हैं। तो वही लेंथ हमने यहां पे ले लिए हैं। कॉम्पास का सेंटर अब हमें M पे पुट करना है, और यहां पे एक आर्क ड्रॉ करना है। उसके बाद कॉम्पास का सेंटर N पे पुट करना है, और यहां पे वो आर्क पे क्रॉस करना है। तो देखो हम यहां पे रखते हैं, ये देखिए हमने कॉम्पास का सेंटर यहां M पे रखे, और ये हम ये बीच में एक आर्क बनाएंगे, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये सब आपको फेंट ड्रॉ करना है। तो ये देखिए हमने एक बीच में आर्क बना दिए, कॉम्पास का सेंटर M पे रख के हमने आर्क बना दिए, और अब कॉम्पास का सेंटर हम N पे रखेंगे, और ये जो आर्क बनाए थे उसके ऊपर यहां पे क्रॉस करेंगे। ये देखिए यहां पे इस तरह से ये क्रॉस कर लिए, और अब ये जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट है, ये क्रॉस सेक्शन पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। जस्ट अ मिनट, यहां पे ये हम यहां पे पहले ये जो मिट चुका है वो हम बना लेते हैं। तो यहां पे अब हमें जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिला है, ये क्रॉस सेक्शन पॉइंट जो है हमें P से ज्वाइन करना है। देखो ये क्रॉस सेक्शन पॉइंट को आप नेमिंग भी यहां पे दे सकते हैं। तो ये देखिए हम इसको यहां P से ज्वाइन कर लेंगे, ये हमने ज्वाइन कर लिए, ठीक है। तो ये क्रॉस सेक्शन पॉइंट को हम पहले यहां नेमिंग दे देते हैं, हम इसको कहेंगे पॉइंट Q, ठीक है, पॉइंट Q, इस तरह से। तो ये जो हमने यहां पर क्रॉस सेक्शन पॉइंट जो हमने यहां पर पी से जो लाइन बनाया है यही है नॉर्मल। और अब हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो अब इसके लिए प्रोटेक्टर का यूज करना है, ठीक है। तो प्रोटेक्टर का यूज करेंगे, देखो हमने प्रोटेक्टर ले लिया है। प्रोटेक्टर का जो सेंटर है वो आपको पॉइंट पी पे रखना है, और जो जीरो डिग्री है वो आपको नॉर्मल पे सेट करना है। तो ये देखिए इस तरह से, ये देखिए यहां पे ये रखना कैसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने इस तरह से रखे, प्रोटेक्टर का जो सेंटर है वो हमने पॉइंट पी पे रखे, जीरो डिग्री नॉर्मल पे सेट किए, और यहां पर 90 डिग्री का हमने
एंगल ले लिए और जो 90 डिग्री का एंगल लिए वही एंगल पे अब हम यहां पे टेंजेंट की लाइन यहां बना देंगे। तो ये देखिए फाइनली हमने टेंजेंट और नॉर्मल यहां पे ड्रॉ कर लिया है। टेंजेंट के ऊपर हमने लिख दिया है टेंजेंट, नॉर्मल के ऊपर हमने लिख दिया है नॉर्मल, और ये जो टेंजेंट है उसको हमने एरो हेड भी दे दिया है। वैसे एरो हेड देना कंपलसरी नहीं है, आपके कॉलेज में अगर आपके लेक्चरर एरो देने के लिए कह रहे हैं तो आपको एरो देना है, नहीं तो अगर आप सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन जो बना है उसमें आपको क्या करना है, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस सेमी डार्क ड्रॉ करना है, एलिप्स आपको डार्क ड्रॉ करना है, ठीक है, और आपको टेंजेंट और नॉर्मल भी डार्क ड्रॉ करना है, और जो आप जो डायमेंशन शो करेंगे वो आप सेमी डार्क शो करेंगे, और रिमेनिंग जो आपको यहां पे रेड कलर के पेन से जो दिखाई दे रहा है वो आपको फ्रेंड पेंसिल का यूज करके ड्रॉ करना है। तो फाइनली क्वेश्चन जो दिया था उसके अकॉर्डिंग ये पूरा सॉल्यूशन बन चुका है। ये आज हमने एलिप्स बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड का सेकंड मेथड स्टडी किए। तो इसके पहले के वीडियो का मेथड और आज के वीडियो का मेथड, देखो दोनों मेथड आपके सामने हैं। अब ये दोनों में से कौन से मेथड से आपको एग्जाम में ड्रॉ करना है ये चॉइस आपका है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो में एलिप्स बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड का सेकंड मेथड आपको समझ में आया होगा। ये आपको अपनी ड्रॉइंग बुक में भी ड्रॉ करके देख लेना चाहिए। ये था एलिप्स बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड का प्रॉब्लम नंबर 2। इसके पहले जो हमने इसका एक प्रॉब्लम लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।